हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है एक बार फिर कि परमेश्वर हमें जिंदा रखा है जिंदों की जमीन पर, इसलिए भी हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है उस बात को हम देखेंगे। आज कुछ पॉइंट आपके सामने में रखना चाहूंगा जिसे अगर हम माने तो अच्छी बात है, अन्यथा ये पॉइंट ऐसे हैं अगर उन्हें मानेंगे तो सही रहेगा, नहीं मानेंगे तो स्वर्ग जाने से हमें वंचित रख सकते हैं। जैसा देखा गया पॉइंट नंबर वन है बत्ती का किताब 6 अध्याय का 15 वचन को हम देखेंगे। बत्ती का किताब 6 अध्याय का 15 वचन, यहां पर कुछ 9 पॉइंट मैंने लिखे हैं जो स्वर्ग जाने से रोक सकते हैं जी। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हाँ देखिए, बाइबल यहाँ पर बता रही है कि यदि मनुष्य के अपराध, किसी राक्षस के नहीं, किसी जानवर के नहीं, लेकिन एक इंसान इंसान को अगर माफी नहीं देगा, अपराध क्षमा नहीं करेगा, तो स्वर्गीय पिता बोलता है कि मैं भी उसके अपराध को क्षमा नहीं करूंगा। और मरकुस में और लुका में भी लिखा है यदि तुम किसी के अपराध रख लोगे तो रख लिए जाएंगे। इसलिए आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम किसी के अपराध का लेखा ना लें, ना उसे रखे, ना छिपा के रखे, लेकिन माफी जरूर दें। जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, जिस प्रकार हम हमेशा एक प्रार्थना करते हैं, अंतिम प्रार्थना करते हैं संडे के दिन की है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, उसमें लिखा है जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। लेकिन यहाँ पर हो यूं रहा है दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो दूसरे के अपराधों को क्षमा कर, लेकिन बाइबल कहती है हमें अपराध क्षमा करना बहुत जरूरी है। हो सकता है किसी ने हमारी जमीन हड़प ली हो या कुछ ले लिया हो या हमेशा हमें हमसे बुरा व्यवहार कर रहा होगा, लेकिन हम विचार कर रहे होंगे चाहे कुछ भी कि हम उसे माफ कर देंगे, लेकिन जब भी वो सामने आता है हृदय में वो बातें कड़वाहट आती रहती है। लेकिन बाइबल बताती है कि हमें क्षमा करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हम परेशानी में आ जाएंगे। कहने का तात्पर्य है बत्ती का किताब में जब हम पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा है कि 5 अध्याय में जब जाते हैं वहां पर इसे लिखा है यदि तू वेदी के करीब में आए और तेरे भाई के प्रति तेरे मन में कुछ है तो अपनी भेंट वहीं छोड़ दे और जाकर मेल मिलाप कर और फिर अपनी भेंट को चढ़ा। भाई बताती है नीति के चंद्र भजन संहिता में कि यदि मैं बुरा विचार करता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। इसलिए अगर हम बुरे दांत से कड़वाहट से भरे हैं, बाइबल बताती है कि कड़वाहट अच्छा नहीं है, ऐसी कोई भी जड़ हमें फूटने ना पाए। इब्रानी का किताब लिखने वाला लिखता है कि और बहुत लोग कड़वाहट से भर जाए और बहक जाए, ऐसी जड़ को उगने ना दे। इसलिए यहाँ पर लिखा है जिस प्रकार यीशु मसीह का स्टेटमेंट है कि यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। इसलिए अगर ऐसा कुछ है तो हम माफी दे प्रिय कि हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें माफ करे। और दूसरी बात तो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इब्रानी का किताब 12:15 देखेंगे। ध्यान से देखते रहो ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ध्यान से देखते रहो, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो ध्यान से देखते रहें कि कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना हो जाए। जिस प्रकार 1 कुरिन्थियों 15:10 में लिखा है कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। और यहाँ पर
वही कहने वाला कह रहा है कि ध्यान से देखो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए, यानी उसके दया के हाथ से वंचित हो जाए जी, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। देखिए, यदि किसी को करेले को चखा दिया जाए, किसी को बोले भैया करेला थोड़ा खाना तो कच्चा, वो भी पका हुआ नहीं और फ्राई किया हुआ नहीं, तो उसका चेहरे का हाव भाव पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी बाइबल बोलती है कि कोई कड़वी जड़ कष्ट दे, यानी कड़वाहट हमेशा कष्ट देती है, इसमें ऐसी जड़ों को उखाड़ने में ही हमारा फायदा है जो स्वर्ग जाने से हमें रोक दे जी, और उनके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। कड़वी जड़ जब फूटेगी तो भांडा भी फूट जाएगा और कोई हमारे साथ रहेगा भी नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत कड़वा है और हमेशा जहर उगलता रहता है। बाइबल बताती है नीति वचन में कुछ लोगों के शब्द ऐसे होते हैं, वो पेने तीर होते हैं जो चुभ जाया करते हैं, इसलिए हमेशा न करें प्रियो। इसका 12:28 पे देखें, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं। हाँ देखिए, परमेश्वर का जो राज्य है कभी हिलता नहीं है, हिलने का नहीं है जी, और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है, जिससे वह प्रसन्न होता है, भक्ति के साथ ऐसी आराधना करे जिससे परमेश्वर खुश होता है। यानी नंबर 2 पॉइंट है, अगर आप और मैं जागृत नहीं हुए तो इसके कारण से हम वंचित हो सकते हैं। कई लोग जागरूक नहीं है और कड़वी जड़ को फूटने देते हैं और खतरनाक दुआ भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन कड़वी जड़ रखे रखते उसको उखाड़ते नहीं है। तो प्रिय, मेरा कहने का मतलब है ये स्वर्ग जाने से बाधित हो सकती है, हमें स्वर्ग जाने के लिए रुकावट पैदा कर सकती है, हमें जाने नहीं देगी। और नंबर 3 में आता है मत्ती का किताब 19:23 पद, यानी धन के प्रति लालच। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा नंबर 3 में आता है कि धन का लालच जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, क्योंकि हम देखते हैं लाजर और धनवान की कहानी, और परमेश्वर की ओर नहीं फिरा, सब कुछ खाया पिया, मौज मस्ती किया, जो उसे करना चाहिए था उसने किया, आखिर में अधोलोक चला गया, लेकिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं किया जी। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। यानी परमेश्वर दोबारा कह रहा है, यीशु मसीह ये दोबारा कह रहा है कि धनवान का मन उसके धन में लगा रहता है, वो परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता है, बस उसे एक ही धुन सताई जाती है, 4 कप बजते कि उठाऊंगा मोटरसाइकिल और पैसा दे, जिन्हें ब्याज पर दिया उनसे वसूलता रहता है। और इसी का 6:9 भी पड़े, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो जी, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। लेकिन अगर धन के प्रति लालच है तो ऐसे बोलेगा, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है लेकिन धरती पर मेरी इच्छा पूरी हो, वो ऐसा बोलेगा, क्योंकि उसका मन धन में है। यीशु मसीह ने भी बोला है, जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। तो प्रियो, धन कमाना पूरी बात नहीं, लेकिन लगातार धन के प्रति लालच बढ़ते रहना उसे वो हमें स्वर्ग जाने से वंचित कर सकता है। इससे खुदा विष्णु से का सागिर्द जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है, धन के प्रति इतना लालच आया
क्योंकि आपने स्वामी को ही 30 चांदी के सिक्कों में पकड़वा दिया और वो धन उसके काम भी नहीं आया, फांसी लगाकर मर गया प्रिय। इसलिए ये धन भगवती की पैसा सारी बुराई की जड़ है, याकूब अपनी पत्री में लिखता है और इसे कई लोग बिगड़ चुके हैं। इसलिए धन का धोखा है, लेकिन हम बस यही प्रार्थना करें कि जिसे आकाश में या स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो जाए। और पॉइंट नंबर आगे जाएंगे, घमंड है। याकूब का पत्री 4:6 भी देखेंगे। वह तो और भी अनुग्रह देता है, हाँ? इस कारण यह लिखा है, हाँ? परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, घमंडी लोगों का जी, पर दिनों पर अनुग्रह करता है, परंतु जो नम्र होता है उस पर दया करता है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है 4:10 में कि प्रभु के सामने नम्र बनो, दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। सन्हेरी बहुत ही अभिमानी था और उसे इतना घमंड था कि कोई भी मुझसे बच नहीं सकता, मेरे पास इतना पावर है, इतना ताकत है। लाखों लोगों को लेकर आ गया था हिजकिय्याह के पास, बोले सबको मैं जीत गया हूँ और तुझे भी जीत जाऊंगा, तेरा यहोवा तुझे धोखा ना देने पाए, और वह ऐसे घमंडी हो गया था। लेकिन बाइबल बोलती है लिव्यातान मगरमच्छ सब घमंडियों के ऊपर घमंडी, यानी उसका जैसा घमंडी कोई है नहीं, जो ऊंचा है उसको ताकता ही रहता है। सन्हेरी वैसा था, उसे सारे कोमे बहुत डरती थी, लेकिन उसका घमंड को यहोवा परमेश्वर ने चूर चूर कर दिया और रात में अपने फरिश्ते को भेजा और 185,000 को मौत के घाट उतार दिया। उसका घमंड किसी काम का नहीं आया प्रियो। यदि हम घमंडी है, हो सकता है आपकी आवाज अच्छी होगी तो कई लोग बोले मैं जैसा कोई नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, सारे पक्षी पक्षियों में आप देखिए बगुले को परमेश्वर ने रूप अच्छा दिया है, लेकिन उसको आवाज का कमी दे दिया, देखो वो भी घमंड करता। कोयल को आवाज बेहतरीन दे दिया है लेकिन कलर नहीं दिया, नहीं तो वो भी घमंड करती कि सर्वगुण संपन्न यानी मैं स्वयं हूं। और मोर को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर दिए हैं, लेकिन अपने पैरों से वो मार खा जाता है। इसलिए याद रखिए परमेश्वर किसी के न किसी के अंदर कुछ कमी रखी, इस कारण कमी रखी है कि वो घमंडी ना बन जाए। हालेलुया। एक बार ऐसे ही हुआ, सारे पक्षी थे और जो कौवा था सबके पास जा जाकर बोलने लगा, अरे वाह आप कितना बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तोता के पास गया, तोते को बोला अरे आप कितना खूबसूरत है। उसने बोला भैया मेरे तो सिर्फ, बोले आप तो मनुष्य की भाषा में भी बोलते। बोले ठीक है मैं मनुष्य की भाषा में बोलता जरूर हूं, लेकिन मैं भी उतना अच्छा नहीं हूं, मेरे से अच्छा मोर है। जब वो मोर के पास गया तो बोले आप कितना बहुत ही बढ़िया है, इतना अच्छा व्यक्ति है आप, कितना अच्छा पशु पक्षी आपको बनाया है, अलग अलग कलर है। बोले अलग अलग कलर तो है लेकिन ज्यादा ऊंचा में उड़ नहीं सकता, ये मेरी कमी है, लोग मुझे पकड़ लेते हैं, जानवर मुझे पकड़ लेते हैं और मुझे पकड़ने के बाद मेरे जो सुंदर सुंदर कलर होते हैं उनको उखाड़ देते हैं, पंखों को उखाड़ देते हैं। तो उसने बोला मेरे से अच्छा तो कोयल है। कोयल के पास जब ये गया तब उसको मुझे बोले कहा आप कितनी मधुर आवाज है। बोले मधुर आवाज तो है लेकिन कलर तो है, क्या फायदा है। बोला मेरे से अच्छा तो बगुला है। बगुले के पास जब गया तो बगुला बोला मेरे पास कलर जरूर है लेकिन आवाज नहीं है, मेरी आवाज सुनकर सारे लोग भाग जाते, मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन फिर किसी ने उसने बोला देख भाई तू सबको देखना बंद कर, तू सबसे बेहतर है। तब उसने बोला कैसे, अरे हम जितने भी कलरफुल पक्षी हैं हम सब चिड़ियाघर में पाए जाते हैं, लेकिन तू एक ऐसा कौवा है जो चिड़ियाघर में पाया नहीं जाता, तू आजाद है। तो प्रियो याद रखे किसी के न किसी के अंदर कुछ न कुछ कमी है,
लेकिन सब घमंडियों के ऊपर मगरमच्छ घमंडी है। इसलिए आप और मैं घमंड न करें, लेकिन दीन बने, नम्र बने। याद रखिए, जब नूह का जहाज में नूह ने सबसे पहले कौवे को जब उड़ाया, वो घर में था तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन घर से बाहर गया तो बिगड़ गया। आज भी ऐसे ही हो रहा है, जो घर में रहते अच्छे रहते, लेकिन बाहर जाने के बाद ऊपर निकल आते घमंडी हो जाते। तो परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जिस प्रकार यूसुफ था, वो नम्र बना, परमेश्वर से उठाए रहा। अगला पॉइंट देखेंगे, गलती की किताब 6 अध्याय इसका 9 पद देखिए, 6 का 9। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यदि हम ढीले न हो, हमारे हाथ ढीले न पड़े, तो हम सही समय पर कटनी काटेंगे। यानी 5वां नंबर है कि आलसी नहीं होना है। यिर्मयाह का किताब 48 में लिखा है, यिर्मयाह का किताब 48:10, श्रापित है वह मनुष्य जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। यिर्मयाह 48:10, श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। यानी वो सोचता, आज नहीं जाता हूँ, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, एक महीने में जाऊंगा, या फिर 7 दिन बाद आराधना में जाऊंगा। बाइबल बोलता है वो श्रापित है, बाइबल का परमेश्वर बोलता है वो आलसी है, और आलसी व्यक्ति को कोई आशीष नहीं देता, श्राप देता है। यीशु मसीह ने बोला, मेरा पिता आज भी काम कर रहा है, इसलिए मैं भी काम करता हूं। यूहन्ना का किताब 5:17। यूहन्ना का किताब 5:17। इस पर यीशु ने उनसे कहा, सुन लीजिए, मेरा पिता अब तक काम करता है। मेरा पिता बूढ़ा जरूर हो गया, लेकिन अभी तक काम करता है जी, और मैं भी काम करता हूँ। हाँ, मेरा पापा अभी तक काम कर सकता था, मैं नहीं कर सकता, मैं आलसी नहीं हूँ ना, मेरा पापा आलसी। हालेलुया, बाइबल बोलती है। मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्या परमेश्वर पिता और यीशु मसीह एक ही है? सवाल ध्यान से सुनिएगा, और बाइबल में ही उसका जिक्र है। एक यूहन्ना 10:30 में लिखा, मैं और पिता एक हैं। हालेलुया, यहाँ पर बाइबल बता रही है कि यीशु मसीह कह रहा, मैं और पिता एक हूँ, यानी परमेश्वर भी मैं ही हूँ और पुत्र भी मैं ही हूँ। और यदि आप इब्रानी का किताब 1:8 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि हे परमेश्वर, वहां पर पिता पुत्र को कह रहा है। इब्रानी का किताब 1:8 पढ़ी, देखिए वहां पर क्या कहता है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, पुत्र के विषय में पापा कह रहा है जी, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। देखिए यहाँ पर कैसी बात है, स्वर्गीय पिता पुत्र को बोल रहा है हे परमेश्वर। इसका मतलब आदि में वचन था, आदि में शुरुआत में, पुत्र की किताब 1:1 में परमेश्वर ने शुरुआत में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और यूहन्ना 1:1 में जब आप वहां पर देखते, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और उसका 3 पद में देखते हैं, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। यानी पिता भी वही है, पुत्र भी वही है। आदम ने कभी नहीं कहा, ए प्रूफ कर कि तू ही परमेश्वर है, मुझे बनाने वाला क्या तू गॉड है या लॉर्ड है, क्या तूने मुझे बनाया, तू परमेश्वर है, नहीं बोला। इसका मतलब यह है कि यदि कोई घर का पिता मैनेजर है, वो जब ड्यूटी पे जाता है तो वहां पर वो मैनेजर है, लेकिन घर में आए तो थोड़ी बोल सकता कि मैं मैनेजर हूं। तो उसी प्रकार पुत्र दुनिया में आया, उसने नहीं बोला कि मैं परमेश्वर हूं, पिता ने उसे जाहिर कर। हालेलुया जी, सुरेश भाई आगे जाएंगे, 1:8, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, पिता बोल रहा है।
फिलिप उसने बोला ए यीशु मसीह हमें पिता को दिखा दे। लेकिन यीशु मसीह वहां पर फिलिप यूहन्ना का किताब 14 अध्याय में कहता है 5-6 से आगे जब हम पढ़ते हैं उसने कहा नहीं इतने दिन से तुम्हारे साथ था क्या तुमने मुझे नहीं देखा, इसने मुझे देखा उसने परमेश्वर पिता को देखा। यहाँ पर बोल रहा है कि हे पिता तेरा सिंहासन युग युग तक स्थिर रहेगा। जी आगे? तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। हाँ कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर पिता और पुत्र परमेश्वर एक ही है। कभी परमेश्वर मौका देगा तो इसके विषय में जरूर बात करेंगे। लेकिन अगला पॉइंट देखेंगे नंबर 6 में एफिसियों की किताब और यह है क्रोध का विषय में एफिसियों 4:26। क्रोध तो करो हाँ पर पाप मत करो, गुस्सा तो करो पर गलती मत करो। बाइबल बता रही है यानी ये हमें एफिसियों 4:26 ये हमें स्वर्ग जाने से रोक सकता है। गुस्सा खूब करो, टोपले से बाहर फेंकाओ, घर से बाहर फेंकाओ पर गलती मत करो। ये कि यहां पर वही बात की और याकूब ने भी कहा है 1:19 कि क्रोध में व्यक्ति को धीमा होना चाहिए गुस्से में। याकूब का किताब 1:19 हे मेरे प्रिय भाइयों हाँ यह बात तुम जान लो। हे मेरे प्रिय अजीज भाइयों यह बात तुम जान लो। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। एक बार फिर से ये जो लाइन आपने पढ़ी अभी इसी को पढ़िएगा ऊपर से नहीं। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर सबूगा। जिस प्रकार की बाइबल बताती है कि हमें तत्पर रहना चाहिए सुनने के लिए। हाँ जी और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। बोलने में धीर होना चाहिए न पाकुला शब्द और गुस्से में धीमा होना चाहिए धीमा। हालेलुया। और एक और व्यक्ति यहाँ पर कुछ बात बोल रहा है सबोपदेशक 7:9 इसका 9 में कारण क्या है गुस्सा करने वाला तो वो स्वर्ग जाने से रोक सकता है। गुस्सा तो किया है लेकिन एक्शन लिया है तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। 7:9 अपने मन में उतावली से क्रोध न हो। अपने मन में जल्दबाजी गुस्सा मत करना, खोट डालूंगा मार डालूंगा ऐसा कर डालूंगा जी, क्योंकि क्रोध मूर्खों की ही के हृदय में रहता है। यानी गुस्सा मूर्ख लोगों का हृदय में ही रहता है। यानी हम आत्मिक हैं कि शारीरिक हैं। गुस्से से याद रखे कई परिवार बर्बाद हो गए हैं, परिवार टूट गए हैं, पति पत्नी अलग हो गए हैं और कई दूसरे लोग आग में घी का काम भी दे रहे हैं। अगर उनमें थोड़ी सी कहानी सुनी हो गई तो कोई तीसरा आके बोलता है हाँ सही बात बोला ये सही गलत है और उनके रिश्ते तुड़वाने पर तुले हुए हैं। इसलिए गुस्से को छोड़ दे। जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति है और लकड़ी के अंदर कील ठोकता है और कील ठोकने के बाद उसे वापस निकालता है फिर उसी लकड़ी में आगे कील ठोकते ठोकते जाएगा। यानी एक फीट अगर ठोकते ठोकते गया और उसे वापस निकाला याद रखे कि फिर उसमें जो घाव हो जाएंगे वो कभी भरेंगे नहीं। उसी प्रकार गुस्सा करने वाला जो बाण चलाएगा उसी प्रकार वो चुभ जाएंगे फिर वो घाव भरते नहीं है चाहे कितना भी मशक्कत कर ले। इसलिए याद रखे ऐसा ना हो कि कई रिश्ते टूट जाए बिगड़ जाए बिखर जाए और उन्हें फिर समेटना बड़ा मुश्किल हो जाए। यानी अंडा अगर हाथ में लेके जा रहे प्लेट में लेके जा रहे हैं और अगर जमीन पे गिर गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। समेट भी नहीं सकते और पूरा खत्म हो जाएगा। जी आगे जाएंगे यह न कहना हाँ बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे। बस 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 तो यहाँ पर हमें गुस्सा जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने गुस्सा नहीं किया लेकिन याद रखें गुस्से में कोई एक्शन ना ले गलती ना करे। और अगला पॉइंट है पहला यूहन्ना 2:4
जो कोई यह कहता है हाँ मैं उसे जान गया हूँ, हाँ ये सातवां पॉइंट है कि मैं उसे जान गया हूँ, जो कोई कहता है और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है, बहुत झूठा है, फरेबी है, दगाबाज है, धोखेबाज है और उसमें सत्य नहीं, उसमें सत्य नहीं यानी अनाज्ञाकारी है, वो आज्ञाकारी नहीं है। सातवां पॉइंट है अनाज्ञाकारी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई ऐसा कहता है कि मैं उस यीशु को, उस परमेश्वर को, उस पवित्र आत्मा को जानता हूं लेकिन उसकी बातों को नहीं मानता है, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है और वह अनाज्ञाकारी व्यक्ति है। जैसे पर जो कोई उस रुकी रुकी जैसे शाऊल, शाऊल को शमूएल ने कहा था 7 days इंतजार करो, 7 दिन तक मेरा इंतजार करना, और जब शमूएल 7 दिन तक आ नहीं पा रहा था, उससे पहले उस दिन तो आ ही रहा था लेकिन वो उसके पहुंचने से पहले उसने सोचा कि वो सुबह सुबह आ जाए लेकिन नहीं आ पाया, देरी हो गई और वो खुद ही बलिदान चढ़ाने के लिए चला गया, यानी अनाज्ञाकारी बन गया है। आज्ञाकारी पहले था लेकिन अनाज्ञाकारी बन गया। और शमूएल ने बोला तूने ये क्या किया है, तूने इसे क्यों किया? तब उसने बोला अरे प्रजा मेरे सामने से भाग रही थी इसलिए मैंने बलिदान चढ़ाया को भाग न जाए, अब याद कर कि तू आ गया है तो कम से कम प्रजा के सामने मेरा आदर। वैसे बोला इसलिए याद रखें हम अनज्ञाकारी ना रहे। बाइबल कहती है हम आज्ञाकारी रहे क्योंकि आज्ञाकारी पर आशीष फलती है। अगला पॉइंट है आठवां, नीति वचन 14:30 देखेंगे। शांत मन हाँ तन का जीवन है, शांत मन तन का जीवन है यानी शरीर में जो जीवन मिलता है शांत होना चाहिए, कूल डाउन यानी कुल्फी होना चाहिए जी। परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है, मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। प्रियो यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम शाऊल है जो प्रेतों के काम में है, 7 अध्याय से हम जब आगे पढ़ते हैं तो उसका जिक्र है, उसका मन ऐसे जला हुआ था कि उसकी हड्डियां भी जल गई थी और दांत पिसता था मसीह लोगों को सताने के लिए। वो एक ऐसा व्यक्ति था किसी की बात ऐसे चुभ जाती है वो जल उठता है उसको लगता है और वो फिर दुबला भी होना शुरू हो जाता है। इसलिए याद रखे शांत मन होना चाहिए, कूल डाउन हमें होना चाहिए। और फिलिप्पियों 2:3 भी हमें कहता है विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ मत करो पर हरेक को अपने से अच्छा समझो जी, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, पर दीनता के साथ नम्रता के साथ हरेक को अपने से अच्छा समझो। तभी ना बोले कि आई एम द बेस्ट, आवर लॉर्ड इज द बेस्ट यानी हमारा परमेश्वर ही सबसे अच्छा है। कभी भी अपने आप हम घमंडी ना बने कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन बाइबल में बुद्धिमानों की कमी नहीं है और ना ही दुनिया में बुद्धिमानों की कमी है, इसलिए हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान दुनिया में लोग पड़े जिसे परमेश्वर ने बनाया है। हो सकता है हम एक ही को गिनते हैं लेकिन वो दो को भी गिनता है। इसलिए हम याद रखें हम जलन ना रखें। और अगला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, इब्रानी का किताब 12:14 सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हाँ, पवित्रता के उस पवित्रता के खोजी रहो, इसका मतलब व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया, यानी पवित्रता अंगों में झलकना चाहिए,
इसलिए यहाँ पर लिखने वाला लिखता है, इब्रानी का लिखने वाला लिखता है, इस पवित्रताई के खोजी रहो, यानी वे विचार से बचे रहो। सिमसोन नहीं बचा, इजरायली लोग नहीं बचे, उन्होंने फरियाद किया मूसा का, हम मन्ना खा रहा है, हमारा दिमाग पागल जैसा हो गया है, दिमाग खराब है, तू वहां से लेकर आए, और हमको परमेश्वर लगातार मन्ना 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 खिलाता है जो सफेद सफेद और मीठा लगता है, हम उसे खाकर बोर हो गए, इसलिए परमेश्वर को बहुत चिकन मटन चाहिए। तब परमेश्वर ने परमेश्वर के पास मूसा गया, परमेश्वर बोला तूने देखा कि इस्राएली लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे पथराव करना चाहते हैं, वो बोल रहे कि हमें तो सिर्फ परमेश्वर ने मन्ना मन्ना खिलाया इसलिए हमें नॉनवेज भी चाहिए। तब परमेश्वर ने बोला ठीक है उनको बोल दो मैं उन्हें खिलाऊंगा, और उनने पुरवाही चलाई और उनके घरों पर छतों पर भी गटरों को उड़ा लाया, और दाई परमेश्वर ने उनको ऐसे कहा था मूसा को बोल देना कि तुम खा खा के आधा जाओ, और तुम बोलेगा हमको नहीं चाहिए, और लगातार 3 दिन तक वो खाते रहे, आधा गए थक गए हमको नहीं। याद रखिए कई लोग ऐसे और जिन्होंने वो खाए, बाइबल होती जिन्होंने मांस खाया वो बेविचार करने लगे, और फिर बाइबल होती है परमेश्वर की तरफ से सांप भेजे गए वो उन्हें डसने लगे, और फिर वो बोलने लगे मूसा तेरे परमेश्वर से प्रार्थना जाए कि हम ये सांप से डसे जा रहा हूँ मर जा रहे हैं। तब परमेश्वर ने मूसा को बोला एक पीतल का सांप बनाना, और जिन्हें संसारिक सांप डसते हैं जो कोई डसे हुए व्यक्ति उस पीतल के खंभे पर लटकाया सांप अगर देख लेगा वो बच जाया करेगा, और ये पीतल पे लटका हुआ सांप कोई और नहीं है खुदा यीशु मसीह जो क्रूस पर आपके मेरे खातिर लटकाया गया है। हालेलुया, कहने का मतलब ऐसा कुछ भी चीज ना मांगे जो हम परेशान हो जाए, और बाइबल कहती वे विचार से बच रहे। और अगला पॉइंट है पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 4:3, ये तमाम बातें जो हम सुन रहे हैं ये स्वर्ग जाने से हमें वंचित कर सकती है, अगर हम सही ना चले तो हमें ये रोक सकती है। पहला थिस्सलुनीकियों का किताब 4:3 उसका 3 पद, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर का इच्छा यह है पवित्र बनो, यानी ये 10वां पॉइंट है। आपको मुझे परमेश्वर इसलिए बुलाया है पवित्र होने के लिए, क्योंकि उसने कहा कि मैं पवित्र, उसी प्रकार तुम भी, सिर्फ ये नहीं बोला कि पवित्र बनो लेकिन ये बोला अपनी चाल चलन में भी पवित्र बनो। तो भाई वो कहती है हमारा परमेश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्रताई में चलने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए हम याद रखें कि हमारा परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, हम पवित्र बने रहें, क्योंकि परमेश्वर महान और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। एक बार की घटना है, जो कोई पवित्रताई में चलता है उसके साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है। एक बार एक खुदा का बंदा जा रहा था, नाव में सफर कर रहा था, और उसने नाव वाले ने बोला देखिए भाई साहब मेरे नाव में ज्यादा पैसेंजर हो गया तो आप बैठ नहीं सकते, जबकि उसमें गेहूं की बोरियां वो रख रहा था। उसने बोला भैया गेहूं की बोरी मत रखो, मुझे तो पार करने दो, मुझे जाने तो मेरा मीटिंग है। लेकिन बोला आप नहीं जा सकते, मैं ये बोरियों को लेके जाऊं। तब खुदा के बंदा ने बोला देखो आप मुझे नहीं लेके जा रहे लेकिन आपके अच्छा नहीं हो, उसका मुंह से बस ये शब्द निकल गया और पूरा होलीनेस में चलता था, पवित्रताई में चलता था, और उसके मुंह से ये शब्द निकला, आज बीच में वो नाव गई और नाव पलट गई, और खुदा का बंदा देख रहा था और बहुत पछताए, खुदा मुझे माफ कर मेरे मुंह से ये शब्द क्यों निकला, और मैं नहीं चाहता था लेकिन अचानक मुंह से शब्द निकल गया और नाव पलट गई। यानी पवित्रताई को प्रिय बहुत ही ताकत है, जब सिमसोन पवित्र बना रहा उसके अंदर अपार शक्ति, 1,000 लोगों को गिरने का शक्ति था। अब देखिए हम एक लोमड़ी को पकड़ नहीं सकते, लोमड़ी छोड़िए आपके घर में जो चूहा दौड़ता उसे ही पकड़ के दिखा दी, हम उसे नहीं पकड़ सकते, लेकिन जब वो पवित्रताई में रहा बाइबल बताती है उसने एक ही झटके में 300 लोमड़ियों को एक साथ पकड़ा है, और उनकी पूंछों को बांध कर उसमें मसाले भी बांध दिए, मसाले लगा दिए और खड़े खेतों में छोड़ दिया 300 लोमड़ियों को। याद रखिए जब हम पवित्रताई में रहते हैं तो जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम भी हम कर पाते,
तो पवित्रता को बहुत ताकत है, इसलिए आप और मैं पवित्रता में बने रहें। पवित्रता के कारण यूसुफ के साथ परमेश्वर रहा, पवित्रता के कारण याकूब के साथ परमेश्वर रहा, और उसकी मजदूरी को कई बार बदल दिया गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर से आशीष देता ही रहा। मूसा पवित्रता में रहा, परमेश्वर उसके साथ बना रहा और कहने लगा मैं स्वयं चलूंगा और तुझे लेकर चलूंगा। यहोशू पवित्रता में बना रहा, परमेश्वर उसके साथ भी बना रहा, बोले दृढ़ हो जा, यह बांध कमर बांध, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। और यर्दन नदी का पार वो लोग हो गए थे। आपको मुझे पवित्रता में जीना सीखना। और आखिरी पॉइंट बोलेंगे फिलिप्पियों किताब 2:14। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से किया करो। सब काम XYZ कुछ भी हो, परमेश्वर को बड़बड़ाना पसंद नहीं। वहां पर इजराइल लोग बहुत बड़बड़ाते थे, बहुत कुड़कुड़ाते थे, इसलिए बाइबल बताती कि वो जंगल में ही मारे गए। काम जरूर उन्होंने किया, लेकिन वो बहुत ही बार बार बड़बड़ाते थे। और बाइबल बताती कि बिना विवाद के सब काम किया करो, यानी झमेला खड़ा मत करो। हमने यहाँ पर बहुत सारी बातें देखी हैं, लगभग 11 या 12 पॉइंट देखे। ये ऐसे पॉइंट है जो हमें स्वर्ग जाने से रोक सकते हैं प्रियो। अगर हम इनको सही जीवन में लागू करेंगे तो हमें स्वर्ग जाने से वंचित नहीं रखेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ाएंगे और हम स्वर्ग जाने के लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। तो याद रखें, इन पॉइंटों को याद रखें। जैसे हमने नंबर 1 देखा था, एक अपराध दूसरों के क्षमा करो। फिर देखा है यदि हम जागरूक नहीं हुए, जागरूक हो जाएं। फिर धन के प्रति लालच ना रखें, घमंड ना रखें, पर नम्र बन जाएं, आलसी ना बने, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला किस प्रकार मेरा पिता काम करता है मैं भी करता हूं। फिर हमने देखा है कि क्रोध नहीं करना है, हमें गुस्से में नहीं रहना है, यानी आत्मिक बने रहना है। फिर देखा है हमने अनाज्ञाकारी नहीं रहना, फिर जलन भी नहीं रखना है, व्यभिचार भी नहीं रखना करना है, पवित्रता में बने रहना। आखिरी में देखा है सब काम बिना विवाद बिना कुड़कुड़ाए के करना है, ताकि परमेश्वर में आशीष करे। हालेलुया, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आइए हम आंख को बंद करें और आप प्रार्थना में जाए। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम सब पर अनुग्रह और दया कर पिता, वरन इन सारी बातों को मानने के लिए पवित्र परमेश्वर तू हमें मदद कर। परमेश्वर पिता, जिन बातों से तू हमें दूर रखने के लिए चाहता है उन बातों से हम दूर रहें, और जिन बातों को तू करने के लिए कहता है पिता उन बातों को हम करने पाए। महान यीशु मसीह तू हमें बुद्धि समझ दे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्यारे परमेश्वर पिता तुम मनुष्य के हृदय को जानने वाला परमेश्वर है और उनके विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। तू राजाओं के मनों को बदलने वाला परमेश्वर है राजा पिता, तू हमारे मनों को भी बदल परमेश्वर पिता, और तेरे वचन के अनुकूल होने के लिए मदद कर। जितनों ने वचन सुने सब जीवन परमेश्वर पिता तेरे पवित्र हाथ में देते हैं, तूने बहुत आशीष बरकत दे, तेरी आज्ञाओं में बने रहने के लिए तू मदद कर। आज के लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता, आप उन्हें भी आशीष और बरकत दें, और भी परमेश्वर पिता आगे भी आपके धर्म और राज्य के लिए उन्हें इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता, ऐसी हमारी प्रार्थना है राजा। सब कुछ आपके पवित्र हाथ में देते हैं, और मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं।